भोजपुरी के फेमस कलाकार शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी एक बार फिर धमाल मचाने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी अपने अपकमिंग होली गीत की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस खास मौके पर इनके साथ नजर आई लयका तोरे के पापा कहता जैसे गाने पर धमाल मचाने वाली और दर्शकों के बीच अपनी अमीर छाप छोड़ने वाली त्रिशा कर मधु। वैसे आपको बता दें कि इस गाने को गाया है नीलकमल सिंह ने, जो कि कुछ समय पहले ही शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी के साथ नजर आए थे और अब त्रिशा कर मधु। तो चलिए जानते हैं कि उनका इन नन्हे बाल कलाकार के बारे में क्या कहना है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा माध्यम हूँ आपका छोटा भाई शुभम जयकर, और इनको तो आप जानते ही होंगे, खुशबू गाजीपुरी। और ये मैम आप अपने बता दीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। और बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? पहले अपना नाम तो बता दीजिए दर्शकों को कि आपका नाम क्या है। सबको पता होगा मेरा नाम, अभी हमें ही ना पता रहा ला। ना खाली के मधु नाम पता रहा ला, तो आरे ठोरी मधु ही हुई। अच्छा, त्रिशाकर मधु जी, यस, इनका नाम है। और इनको भी देख लीजिए। हेलो, नमस्ते, करिया लगती है आज। ओ भाई, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इनसे कि आपका कौन सा सॉन्ग था जो बहुत ब्लास्ट 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 था? तुमको पता नहीं है? अरे अपने मुंह से बता देना तू। राजा जाई ना बहरिया और लयका तोहरे के पापा कहा था। वाह, और ये अभी नीलकमल जी का हम लोग पे इंटरव्यू आया था छोटा सा, और इनके बाद वही एक्टर त्रिशा जी, और इनका वही सॉन्ग था राजा तनी जाई ना बने, जो कि बहुत थी बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर उसके बाद लयका तोहरे के पापा का था, और लयका तोहरे के पापा का था टू, वो भी था। और अभी अभी जस्ट आ जाया है, क्या था वो, लयका के लयका भूखे सोता था। हाँ, लयका भूखे सोता था। तो बहुत ही प्यारी एक्टर है हम लोग की भोजपुरी की। ये दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड गाई है, और इन लोगों को प्लीज आप लोग गाए हैं। ये लोग बहुत ही प्यारे दो बच्चे हैं, और नहीं बहुत बहुत प्यारे दो गाय हैं। ये बैल है, ये गाय है। गाय मींस कुछ और नहीं है, गाइस गाइस गाइस। और यस, ये बहुत ही दो प्यारे कलाकार हैं, खुशबू और शुभम। ये लोगों को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसे आगे भी सपोर्ट किए हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दीजिए इन लोगों के साथ साथ, मुझे भी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बांट के। अभी इनको इतना मिल चुका है, और इतना हम लोगों को तो इतना 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 करते हैं। नहीं नहीं, सबको चाहिए एकदम मिल बांट के खाया। और हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं, जिसे बोलते हैं भोजपुरी। यस, भोजपुरी एक फैमिली है, उसके हम लोग सभी लोग मेंबर हैं। तो सबको आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आगे बढ़ाना है तो छोटे कलाकार को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। ऐसे हम भी छोटे बन गए थे, और हम लोग तो पहले ही से छोटे छोटे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग 12 साल के हैं, तो अभी तो पूरे लाइफ बाकी है। हम भी 12 साल के हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही रोमांचक खबरों के लिए जुड़े रहिए भोजपुरी कनेक्ट से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।